सीरियल रब से है दुआ। इसमें दुआ जो है हैदर को छोड़कर चली गई, घर परिवार को छोड़कर चली गई, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट। अरे दुआ, अगर आप ऐसे ही रूठती रहीं और घर छोड़कर जाएंगी तो आपने तो मैदान खाली छोड़ दिया ना गजल के लिए, और उस मौके का फायदा तो पक्का उठाएंगी। जिसे अपनी बीवी मानता था, जो हैदर की दुनिया थी, भले ही उसने दुआ को तलाक दे दिया हो, लेकिन बीवी का दर्जा अभी भी वो दुआ को ही देता है। आज देखिए, जब दुआ घर छोड़कर चली गई है तो इस कमरे में कितना अकेलापन महसूस कर रहा है हैदर। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि कमरे के अंदर जाए, क्योंकि कमरे के अंदर उसे दुआ की याद सताएगी। अब हैदर कमरे के बाहर ही बैठा है। He's missing her, यार, you know, जितने भी प्यार करने वाले हैं वो ये सब इमोशन जानते ही हैं कि जब आपका प्यार आपसे दूर हो जाता है तो कैसे कैसे फील होता है। So maybe that's what I wanted to portray through Heather. हैदर को यू कमरे के बाहर देख एक गजल पहुंची है और वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी। दुआ के बारे में अनाप शनाप बातें कहेगी और हैदर के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी। अब गजल, हैदर ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया और तुमने जो किया वो एक धोखा और फरेब था। भले ही दुआ आज उसके पास नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन दुआ के प्यार की ताकत इतनी बड़ी है कि वो हैदर के दिल में कभी भी आपकी जगह बनाने नहीं देगी। इसीलिए हम तो कहेंगे कि टाइम वेस्ट मत करो, चुपचाप यहाँ से निकल लो, इसी में आपकी ना भलाई होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं कश्मीर की वादियों में। खूबसूरत है, जी हाँ, और जन्नत अगर कहीं है वो यही है, हर कोई जानता है। जब तक कोई उसमें धूम धड़ाका कर हमारी जन्नत को बुरी नज़र ना लगाने की कोशिश करे। बहरहाल, हम बात कर रहे हैं एक नए शो की, सोनी सब पर आने वाला, जिसका नाम है पश्मीना। और क्योंकि पश्मीना देन है कश्मीर की, तो यहाँ पर शूटिंग भी कश्मीर में ही हो रही है। और यहाँ पर आपको ना सिर्फ लोकेशन पर लेकर जाएंगे, लेकिन सरप्राइज पैकेज ये है कि हितेन गौरी से भी एक खास मुलाकात कराएंगे। मेरा पूरा शूट कश्मीर में हो रहा है, हाउस बोट पे, मोस्ट ऑफ इट। मेरा ना इधर ही हो रहा है। पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि पूरा शूट मेरा बिल्कुल कुछ भी बॉम्बे में नहीं हो रहा है। शूट मेरा पूरा शूट कश्मीर में हो रहा है, हाउस बोट पे, मोस्ट ऑफ इट। हितेन गौरी की सुपर हिट जोड़ी तो हम सबको याद है, कुटुंब सीरियल से जो इनके प्यार का सिलसिला शुरू हुआ था, सो अब पश्मीना तक बरकरार है। ये जोड़ी एक बार फिर से सोनी सब के शो पश्मीना में धमाल मचाने वाले है। तो हमारा जल्दी आ रहा है, मोस्टली अक्टूबर में, तो थोड़ा अलग टाइप की रोमांटिक स्टोरी है, पहले ऐसे कभी नहीं देखी है। पूरा शूट कश्मीर में हुआ है और सोनी सब पे आने वाली है, तो प्लीज़ 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 ज़रूर देखिएगा। शो इज़ कॉल्ड पश्मीना। थैंक यू सो मच। इनके फैंस के लिए इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती है। तो ये है प्रीति का लुक। गौरी प्रधान प्रीति का किरदार निभा रही है। कैसा लगा आपको? जो पश्मीना की माँ है प्रीति, बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग है, बहुत ही कॉन्फिडेंट लेडी है। शी इज अ सिंगल मदर,
वो जानती है उसको लाइफ में पूरे मर्दों की सोसाइटी में कैसे अकेले जीना है और अपनी बेटी को कैसे एक सिक्योर लाइफ देना है. बहुत इंडिपेंडेंट है. तो काफी हद तक मेरे पर्सनल कैरेक्टर से मिलती जुलती. निशांत मलकानी राघव का किरदार निभाएंगे. पश्मीना में मेरा कैरेक्टर है राघव का. राघव एक बिजनेसमैन है जो कि मुंबई में रहता है, वहीं पे सेटल्ड है. बेसिकली इज़ अ कश्मीरी बाय ब्लड बाय हिज रूट्स, लेकिन हमेशा मुंबई में रहा है तो कश्मीर की कुछ उसको ज़्यादा ही इज़ नॉट वाकिफ विद दैट प्लेस. राघव एक हार्डकोर बिजनेसमैन है, एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड आदमी है, बहुत ज़्यादा राइचियस है, हमेशा सही का साथ देता है, सच बोलने वाला इंसान है, बहुत ही शार्प माइंडेड इंसान है. बट एट द सेम टाइम ही इज़ इवन दो ही somebody जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, अपने घर वालों से बहुत प्यार करता है, लेकिन प्यार शब्द पे उसका एज सच विश्वास नहीं है. ही बिलीव्स दैट लव इज़ अ वीकनेस. उसको लगता है प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आपको कमज़ोर बना देती है, आपको बांध देती है. और ये सारी बिलीव्स इसकी चैलेंज होती हैं जब वो मिलता है कश्मीर जाकर पहली बार पश्मीना से, जो कि वहाँ पे एक लोकल टूरिस्ट गाइड है. एंड शी इज़ कम्प्लीटली अपोजिट. आई एम श्योर शी विल टेल यू बेटर अबाउट पश्मीना. तो मैं पश्मीना का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जिसमें मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ. और पश्मीना एक बहुत ही प्यारी सी, हैप्पी और खुश रहने वाली, तो सबको खुश करने वाली लड़की है. पर कुछ लोग हैं जो पश्मीना को खुश नहीं देखना चाहते हैं. उसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया है उसकी मदर के साथ और एक छोटी सी उसकी हाउस बोट के साथ. तो बस यही हमारी स्टोरी है. और बाकी जैसे जैसे टेलीकास्ट होगा आपको और ज़्यादा पता चलेगा पश्मीना के बारे में. अब इनके बीच हितेन तेजवानी भी नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी उनका किरदार थोड़ा छुपा हुआ है. हितेन सर के बारे में अभी आप देखिए क्या होता है स्क्रीन पे. अभी अभी कुछ नहीं बताऊंगी. उनको तो हमेशा वो मस्ती के मूड में ही रहते हैं, आपको पता है. तो लेकिन स्क्रीन पे क्या हो रहा है हितेन और मेरे बीच में, या हितेन और उनके बाकी को आर्टिस्ट के को स्टार्स के बीच में, वो आप जल्दी स्क्रीन पे देखेंगे. पश्मीना एक लव स्टोरी है जो कश्मीर में शूट हो रही है. और आपको बता दे कि अभी तक ये सीरियल कश्मीर में ही शूट किया जा रहा है. और सुनने में आ रहा है कि आगे से 5-6 महीने तक कश्मीर में ही शूट करेंगे, जो कि अब तक के टीवी सीरियल्स का सबसे लंबा शेड्यूल होगा. पूरा यूनिट पहली बार 4 महीने वहाँ पे रहने वाला है. बच्चों को तो बहुत मिस करती हूँ, फिर भी मैं आती जाती रहती हूँ, लेकिन बाकी लोग तो वहाँ कॉन्स्टेंटली उधर ही स्टे कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उनके लिए थोड़ा बुरा लगता है. बट कश्मीर जैसी जगह है तो आई एम श्योर दे डोंट माइंड. पश्मीना एक लव स्टोरी शो है जहाँ पर राघव और पश्मीना दोनों को प्यार होता है, लेकिन प्यार के मायने शायद इन दोनों के लिए अलग अलग हैं. अब कैसे इनके दिल मिलेंगे, कैसे ये एक दूसरे को समझेंगे, और प्रीति जो एक इंडिपेंडेंट वुमन है वो कैसे अपनी बेटी को सपोर्ट करेगी या फिर उसके खिलाफ जाएगी, फिर बहुत कुछ इस कहानी में आपको देखने मिलेगा. मोहब्बत है जिसका यकीन. मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. पश्मीना जल्द. फाइनली जी हाँ, आ ही गए ऋषि. वैसे आ ही जाना था, पता तो हमको पहले ही से था. हम तो बस यूं ही हाइप क्रिएट कर रहे थे भाई. आपको पता है ना, भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी को विक्रांत ने किडनैप कर लिया था. लक्ष्मी जबरन शादी करने के लिए तैयार भी हो गई थी, दुल्हन तक बन गई थी बाबा. एंड ऐसे लगने लगा था कि भैया ये शादी कर लेंगे, मतलब चाहे जबरदस्ती ही सही, लेकिन थैंकफुली ऋषि आ गए हैं. कहते हैं किसी को अगर आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने की कोशिश करती है. अब ऋषि लक्ष्मी को मिलते देख हम तो भाई शाहरुख खान के फिल्म का यही वाला डायलॉग बोलेंगे.
ऋषि ने लक्ष्मी को ढूंढने में दिन रात एक कर दिया था और लक्ष्मी उसके दिल का टुकड़ा भी तो है, तो ऐसे में ऋषि को हर कीमत पर लक्ष्मी को ढूंढना ही था और देखिए वो मिल गई। जब लक्ष्मी ऋषि की मुलाकात हुई तो देखिए कैसे लक्ष्मी ऋषि के गले मिल गई। अब उसके साथ विक्रांत जो कर रहा था बहुत ही गलत कर रहा था, उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उसे बचाने के लिए कोई आएगा। क्या लगता है तुझे, तू यहाँ ऐसे आके लक्ष्मी को ले जाएगा? लेकिन एक बात बता, तू यहाँ आया कैसे? तुझे यहाँ की लोकेशन पता कैसे चली? विक्रांत को ऋषि ने सबक भी सिखाया और ऋषि के पीछे पीछे पूरा परिवार आया तो उन्होंने भी नहीं छोड़ा विक्रांत को। पेट्रोल के ड्रॉप समय दिखते हैं, लाइन से जा रहे होते तो हम सोचते हैं कि यहाँ कोई गाड़ी खराब भी नहीं दिख रही है, रास्ता भी सुनसान है, अगर ये पेट्रोल के ड्रॉप से तो हो सकता है किसी ने जान के डाला हो, वो लक्ष्मी भाभी ने किया होता है। तो पेट्रोल की ड्रॉप्स को हम फॉलो करते 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 एक जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ से फिर हम किसी तरह ढूंढ ढांड के फिर हम ऐसे एक खंडर के बाहर पहुँच जाते हैं और फिर हमें खिड़की से लक्ष्मी दिख जाती है। अब ये लक्ष्मी की सूझबूझ ही है जिसकी वजह से ऋषि और ये सब इस जगह पर पहुँच पाए, वरना ये कितनी भी कोशिश कर लेते कभी भी लक्ष्मी का पता नहीं लगा पाते। चलो अब अच्छा है इनकी मुलाकात हुई, अब अगली बार जब मिलेंगे तो उम्मीद करते हैं कि ये शादी के बंधन में बंधते नजर आए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ओ माय गॉड, यू नो ना व्हेन आई से दिस इसका क्या मतलब है, आ गई है चुगलखोर आंटी जी। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियाँ ज़रा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ अनुपमा की। अब भी अनुपमा माँ जासूसी में लग गई है, अपनी जासूसी से वो पता करेगी कि गुरु माँ का बेटा कौन है। गुरु माँ के बेटे को ढूंढते ढूंढते आश्रम पहुँच जाएगी अनुपमा और वहाँ पर अनुपमा को पता चलेगा कि गुरु माँ का बेटा कोई और नहीं बल्कि अनुज है। किसी खबर सर्टिफिकेट है, गुरु माँ का एक बेटा है, वो कहाँ है, कौन है? वहीं दूसरी ओर अनुज की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अनुज को तोहफा देगी अनुपमा उसकी माँ। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार की। अब इस सीरियल में देखिए यही दिखाया जा रहा है कि ईशा की बॉडी मिली है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये सब केवल हाइप क्रिएट करने के लिए दिखाया जा रहा है। ईशा नहीं मरेगी, वो एकदम सही सलामत है। और आपको बता दूं इस इंसिडेंट के बाद माँ और बेटे के बीच की कुछ दूरियाँ कम हो जाएंगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जहाँ पर अक्षरा का कुर्ता फट जाता है तो अभिमन्यु अपना कोट दे रहा है पहनने के लिए, उतने में ही कमरे में लोग आ जाते हैं और ये लोग ना कुछ गलत समझेंगे। वैसे मैंने सुना है कि जल्दी सीरियल में एक लड़के की एंट्री होने वाली है। प्लीज तुम ये जैकेट पहन लो, देखो पैनिक मत करना, बट तुम्हारा कुर्ता फटा हुआ। नहीं मैम, मैं तुम्हारा जैकेट नहीं ले सकती। वो लोग आ जाएंगे, प्लीज पहन। अ
अगली चुगली लाई हूँ इमली की। अब भाई इमली में लीप के बाद की कहानी न खट्टी है न मीठी है। इस कहानी का क्या टेस्ट है ये तो भाई मेकर्स ही समझ सकते हैं। अगस्त्या के कैरेक्टर को लेकर इतना कंफ्यूजन है तो वहीं इमली के भी आसपास इतने किरदार हैं कि फिलहाल जोड़ी को एस्टैब्लिश करने में इन्हें दिक्कत हो सकती है। इमली और अगस्त्या का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा ये भी एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही है। तो लो भाई मैं तो चली। सीरियल बरसाते में लीजिए देहरादून छोड़कर जा रहे हैं रेयांश। अरे आराधना जी प्लीज रोक लीजिए, क्योंकि अगर ये चलेगा ना तो फिर आप दोनों को साथ देखने का ये जो आनंद ले रहे हैं ना दर्शक, वो बस इंतजार करते हुए रह जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं ना कि टीवी में जब भी कोई ट्रैक सेपरेशन का चालू होता है तो चलता ही चला जाता है। रेयांश को एक दूसरे के इतना करीब देखकर आप सब बहुत खुश हो रहे होंगे, हम तो ये जानते ही हैं। अब भाई खुश तो होना ही चाहिए। वो दो जो एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन फिर गलत फहमियों के चलते जुदा हो गए और अब लगता है वापस मिल रहे हैं, तो वापस मिलने की खुशी तो बनती है, क्यों आराधना और रेयांश। चल रही है ऑब्वियसली, वो नहीं चाहती कि वो जाए और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो कितना भी बोल ले, तो बस वो उन्हें रोकने की कोशिश करी है। उससे लग रहा है कि वो चले गए तो वो बहुत ऐसी डिसहार्टन हो जाती है। अब आपको बताते हैं इनके मिलने की वजह। दरअसल आराधना को ये लग रहा है कि रेयांश देहरादून छोड़कर वापस दिल्ली जा रहा है, जबकि रेयांश के हाव भाव को देखकर तो हमें नहीं लग रहा है कि रेयांश अपनी आराधना को छोड़कर कहीं पर जाने वाला है। अब आराधना को तो ऐसा लग रहा है, तभी तो वो यहाँ पर आई है रेयांश को समझाने के लिए कि तुम गलत नहीं हो सही हो, तो तुम्हें इस तरीके से जाना नहीं चाहिए। आराधना की बातों को बड़े प्यार से सुन रहा है रेयांश। आराधना और पूरी फैमिली को लगता है कि रेयांश जो है वो ऑफिस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से वीरेन सर जो है वो उनको निकाल देते हैं ऑफिस से, जबकि उनकी गलती नहीं होती है, तो सबको ये लगता है कि वो भी देहरादून छोड़ के जा रहे हैं वापस दिल्ली। तो आराधना बस आती है, उनको रोकने आती है कि मत जाओ, और वो सही थे और हम सबको पता है। अब वो कुछ कहेगा नहीं क्योंकि हमेशा की तरह आराधना की बातों पर वो मजे लेना चाहता है। कोई नहीं, ऐसे अच्छे वाले सीन ना बहुत कम ही देखने मिलते हैं, तो भाई आप ना रेयांश ऐसे ही लुफ्त उठाते रहिए। आराधना को जब समझ आएगा ना कि आप तो उसकी बातों को मजाक में ले रहे थे, तब देखना वो कैसे आपकी क्लास लेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए जन्माष्टमी का त्यौहार, और कैसे हो सकता है कि सीरियल में बवाल ना हो, और जब दो सीरियल साथ में आ जाए तो सोचिए बवाल भी डबल होगा। तो
साजिश ये कर रही हैं राधा मोहन की दामिनी, एक्चुअली क्या कर रही है वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन साजिश ये बहुत कर रही है और इसकी भनक पड़ चुकी है शिव और मोहन को। मैं शक्ति से प्यार नहीं करता, मैं किसी से प्यार नहीं करता। प्यार है तो इकरार करना, क्यों अपने प्यार को छुपाने की कोशिश कर रहा है? अब ये सवाल तो मोहन पूछ रहा है शिव से। राधा और मोहन को देखिए और एक तरफ शिव और शक्ति को देखिए, दोनों की जोड़ी कमाल की है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि राधा और मोहन की जोड़ी बन चुकी है और शिव शक्ति की जोड़ी बननी बाकी है। तो राधा और मोहन पूरी कोशिश कर रहे हैं शिव शक्ति की जोड़ी बनाने की। जब मोहन शिव को समझा रहा है कि तुझे प्यार हो गया है, तब न जाने क्यों वो इकरार करने से कतरा रहा है। शिव प्यार करता है तू शक्ति से, तू बस मानने को तैयार नहीं है। मैं शक्ति से प्यार नहीं करता, किसी से प्यार नहीं करता मैं। उसने कह दिया कि वो शक्ति से प्यार नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर राधा भी ये बात जान गई है कि शक्ति भी मोहन को चाहने लग गई है। लेकिन जब शिव ने शक्ति को ठुकरा दिया तो भाई शक्ति का दिल तो टूटेगा ही। अब बचपन में शिव के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसका असर अभी भी उस पर है, इसीलिए वो प्यार से कतराता है। अब वो वजह क्या है पता तो करना ही पड़ेगा। पूरी कोशिश की थी राधा और मोहन ने कि शिव और शक्ति को साथ ला पाए, शक्ति को उसका प्यार मिल जाए। बट मोहन जी और शिव की जब कॉन्वर्सेशन होती है उसके बीच में शिव बोल देते कि नहीं, प्यार नहीं है, ना ही मुझे प्यार हो सकता है, ऐसे करके वो जो भाग जाते हैं। उसके बाद क्या कुछ बोल पाए, क्या कर लेगा राधा और मोहन ने पूरी कोशिश करी है। अगर शक्ति अकेले पता नहीं कर पाएगी तो उसका साथ राधा देगी और ये दोनों मिलकर शिव की चाची का पर्दाफाश करेंगे और पता भी लगाएंगे सच बात का। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सास बहू और साजिश की करेंगे शुरुआत आज की हमारी इस खास खबर के साथ। आजकल वो दौर आ गया है जहां हर प्रोजेक्ट की रिलीज के बाद एक सक्सेस पार्टी तो होती ही है, और वैसी ही एक सक्सेस पार्टी हुई Z5 की फिल्म हड्डी की, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अदाकारी को लोगों ने बहुत सराहा और नवाज की एक्टिंग ही इतनी दमदार है कि हर कोई उनका दीवाना है। इसलिए तो देखिए सुनील ग्रोवर, प्रतीक गांधी, अवनीत कौर उनकी तारीफ करते रुक नहीं रहे हैं। I'm just here for Nawaz sir, and I've always loved his movies, and who doesn't love Nawaz sir's acting and his talent? It's such a challenging role, and especially I think wo chhat wala scene when he's talking to the love of his life, and there are like chote chote scene na unke unhone cheeze pakdi hain jo ladkiyan usually karti hain, wo karna hi I think itna difficult hai. The way he studies his characters, it's amazing and it's brilliant. हड्डी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाम बड़ा अच्छा हड्डी, नवाज भाई हैं इसके अंदर, और मैं उनके काम को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ा अच्छा काम करते हैं। नवाज भाई के तो हम बहुत सालों से फ़ैन रहे हैं, उनका हर एक काम हमें उतना ही पसंद आता है जितना पहले भी आता था, और अलग अलग सब्जेक्ट्स पे फिल्में करना शायद वो पहले से ही करते आ रहे हैं, तो हमारे जैसे एक्टर के लिए तो वैसे ही बहुत इंस्पिरेशनल रहे हैं वो। तो चलिए अब नवाज से मिलते हैं और जानते हैं उनसे कि उनके लिए हड्डी के किरदार में ढलना कितना मुश्किल था और किस तरह से उन्होंने इस किरदार को अलग से निभाया है, क्योंकि जब फिल्म हड्डी आई थी उसी दौरान सुष्मिता सेन की फिल्म ताली भी स्ट्रीम हुई थी, जिसमें सुष्मिता ने भी एक ट्रांसजेंडर की भूमिका निभाई है।
आज जैसे आपने बताया कि प्यार मिल रहा है वैसे ही मिला क्योंकि बहुत हार्ड वर्क था कैरेक्टर का. हार्ड वर्क इसलिए इट इज़ नॉट अबाउट द कैरेक्टर, तो वेदर की जो कंडीशन थी और तीन तीन में घंटे तक मेकअप होना और गर्मी में शूट कर रहे हैं और फिर जो अक्षत जो बताता था उसके अकॉर्डिंग करना, तो वो मुश्किल होता है टास्क. कैसे नहीं आप उस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे एक बार डायरेक्टर के और मेरे साथ कभी बहुत बार ऐसा डिस्कशन हुआ कि ये जो है ये क्लैप मैं नहीं करूँगा, है ना. हम दोनों का बहुत डिस्कशन हुआ कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अगर करता तो बहुत रेगुलर हो जाता कि नहीं, बिना किए कि हम सोच रहे थे कि जो कैरेक्टर है वो इसका जो इनर है, इस तरह के जो लोगों का जो इनर है वो बाहर निकल के आना चाहिए, ना कि बजाय कि गेटअप बदल लिया और मेकअप कर लिया और आके ऐसे करना शुरू कर दिया. इट इज़ नॉट कि वो हमें उसकी सोल को पकड़ना है. फिल्म हड्डी की सक्सेस पार्टी में सबसे ज्यादा अगर हमारा ध्यान किसी ने खींचा तो वो थे सुनील ग्रोवर, जो हमेशा की तरह एक मस्ती वाले मूड में थे और उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जवान की सक्सेस की खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी. ये शाहरुख खान साहब का मैजिक है, उनके लिए लोगों का अथाह प्यार है और बस अटली सर ने जिस तरीके से फिल्म बनाई है और मैं भी बहुत खुश हूँ इस फिल्म का हिस्सा होने में. और ये मतलब लोग ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं, इमेजिन भी नहीं किया किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा. सो वेरी हैप्पी. तो कुछ यू रही नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म हड्डी की सक्सेस पार्टी. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. आगे बढ़ेंगे लेकिन हमारी खास खबर देखने के बाद. OTT 2 भले ही खत्म हो गया है लेकिन इस शो के दौरान बने रिश्ते अभी भी बरकरार हैं. तभी तो देखिए कैसे बीती रात सभी ने साथ मिलकर जमकर पार्टी की. अब जब पार्टी का माहौल है तो ग्लैमरस दिखना तो बनता है. वैसे आज की पार्टी में बिग बॉस OTT के विनर एल्विश यादव भी शामिल हुए. उन्होंने अपने गाने पर रिएक्ट भी किया. लेकिन इस पार्टी की जान बने फलक नाज और अविनाश सचदेव, क्योंकि दोनों ट्विनिंग जो कर रहे थे. अब दोनों साथ में हैं तो मीडिया ने शादी की बात पूछ ही ली, जिस पर देखिए दोनों ने कैसे रिएक्ट किया है. या हम सीधा शादी का कार्ड एक्सपेक्ट करें? को तो फलक ने टोटली इग्नोर किया. वैसे ट्विनिंग का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ है. जरा देखिए पूजा भट्ट और बेबिका दुर्वे को, जहाँ दोनों रेड लुक में नजर आईं. अब यहाँ एक राज भी खुला है, जहाँ हमने ये सुना कि जल्द ही हो सकता है कि विक्रम भट्ट करें बेबिका को लॉन्च, जिस पर देखिए कैसे दोनों ने रिएक्ट किया. अरे इस पार्टी में पलक पुरुषवानी के साथ आई आकांक्षा पुरी. अब दोनों की बॉन्डिंग तो आप जानते ही हैं. वहीं आज इनके साथ पार्टी में आशिका भाटिया भी दिखाई दी. अब रियूनियन की ये रात तो काफी ज्यादा ग्लैमरस भरी रही. उम्मीद करते हैं कि आपको इनका रियूनियन काफी पसंद आया हो. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ द सोलंग वैली ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री ना, लेकिन नहीं, वो वैसी कुछ भी नहीं है. बहरहाल सोनी लिप पर जल्द ही ये कंटेंट आने वाला है, लेकिन उससे पहले इसके लीड्स वामिका और प्रियांशु पहुंचे दिल्ली, यानी दिलवालों के शहर. और आप जानते हैं ना, दिलवालों के शहर पहुंचोगे और स्ट्रीट फूड का मजा नहीं लोगे तो लाइफ में क्या करोगे भाई. We'll be right back.
नमस्कार, राम राम। मैं हूँ सीताराम बिष्ट और आज मैं आया हूँ यहाँ दिल्ली में, जहाँ बड़ी अच्छा मौसम हो रखा है और मैंने सुना है कि यहाँ बहुत बढ़िया डिटेक्टिव जो है चार्ली चोपड़ा हमारे साथ प्रस्तुत है। आइए मिलते हैं कि वो दिल्ली में कर क्या रही है। सुराग ढूंढ रही है चोपड़ा जी। आर यू बिजी? थोड़ा सा नहीं, क्या देख क्या रही है? हाँ, क्या हो गया? सबूत। मैं, तुम सब कुछ नहीं कवर कर सकते हो, अगर सबको पता चल जाएगा तो कातिल को पता चल जाएगा। हम कातिल को ही ढूंढने आए हैं, हम यहाँ पे वैसे क्लूज ढूंढने के लिए आए हैं, तो आप दिल्ली में थोड़ा हम जाके एक बार दिल्ली का चक्कर मारे और क्लूज ढूंढे। ब्रिगेडियर रावत का कातिल कौन है पता है? क्यों लग रहा है? मुझे लग रहा है, अगर तुम्हें कातिल का पता चले तो सीताराम को फोन कर लेना, ठीक है? तो चार्ली चोपड़ा जी, आपकी जो ये पार की नजर है गोल गोल सी, इससे आपने क्या देखा है, आपको क्या पसंद आया? It's nice. लेकिन nice. सोलांग वैली का केस सॉल्व करने के बाद मैं नए घर में शिफ्ट करूंगी। परफेक्ट पिक्चर विद वाइट एंड ऑल दैट, इट्स वेरी नाइस। जो केस सॉल्व करते हैं, खरीदने आए हो ये मुझे ये दे दो, सुराग ढूंढो। मैं समझ गया सुराग कहाँ है, यहीं पे कहीं सुराग होगा अभी। आप जानते हैं कि ब्रिगेडियर रावत को किसने मारा है? नहीं, मुझे ये नहीं पता। तूने एक बात नोटिस की है? रॉकफोर्ड एस्टेट में जितनी औरतें हैं ना, सब बहुत खूबसूरत ज्वेलरी पहनती हैं। खूबसूरत औरतें खूबसूरत ज्वेलरी पहनेंगी, मतलब थैंक्स। अच्छा, मेरे को लगा हम रॉकफोर्ड एस्टेट की औरतों के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, अगर मुझे पर्सनली एक्चुअली बहुत कुछ है, मैं इसमें से क्या बताऊं एक आधी चीज कोई। ये वाला ये मर्डर वेपन हो सकता है अपने में, किसी को मार सकते हैं इससे। मुझे ये बहुत पसंद है। आप जानते हैं कि ब्रिगेडियर रावत का कातिल कौन है? उनका तो एक्सीडेंट हुआ था। ब्रिगेडियर रावत? कौन ब्रिगेडियर रावत? जो सोलांग वैली में मनाली में जिसकी डेथ हुई है। थैंक यू आलोक जी, इसने हमें बहुत बड़ा क्लू दे दिया है। दैट मीन्स कातिल ने सब जगह ये अफवाह फैलाई कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, मर्डर नहीं। ये खरीद ले सीताराम, दिस इज फॉर यू। वेट 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 वेट। हाँ, मस्त सही है। तो क्या है ना, वो मेरी मम्मी कहती है कि थोड़ा और कलरफुल कपड़े पहना करो। ये कलरफुल नहीं है सीताराम, फैशन सेंस है कोई कि नहीं, ये कलर्स ही हैं। इससे ज्यादा कलरफुल तो मैं अपने स्कूल में पहन के जाता था, ऐसे थोड़ी होता है। तुमसे एक बात पूछूं? नहीं। तुम डिटेक्टिव चार्ली चोपड़ा जैसी लग रही हो। बड़ों के डिटेक्टिव। गिव मी हाई फाइव। यस। आप बड़ों के डिटेक्टिव बनना चाहते हो? हाँ, नहीं? हाँ? ये देखो हमारी छोटी चार्ली चोपड़ा, ये बड़े होके डिटेक्टिव बनना चाहती है। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? अरे यार, क्या आप में से किसी को पता है कि ब्रिगेडियर रावत का कातिल कौन है? अब मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा ये सोलांग वैली का केस। सीताराम बिष्ट, आर यू रेडी? रेडी, पहले कुछ खा लेते हैं। गो।
देखिए ये जो दिल्ली की जगह है ना, अगर आपने यहाँ के मोमोज नहीं खाए तो फिर क्या बात है। तो यहाँ पहले हम खाएंगे पानी पूरी और फिर है मोमोज और फिर कोल्ड और इंडिया गेट नहीं देखा मतलब तो मोस्ट ऑथेंटिक प्लेस यार। बचपन से इंडिया गेट जाते हम लोग। चलिए आ जाओ, चलो क्या है ना कि बहुत सारे लोग मुंबई में आके मुझसे पूछते हैं कि इंडिया गेट कहाँ है। मैं उनको बोलता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया वहाँ है और इंडिया गेट यहाँ है। क्योंकि अभी हम दिल्ली में और हमने बहुत सारे सुराग ढूंढ लिए, मोमोज खा लिए, शॉपिंग भी कर ली है, इंडिया गेट भी देख लिए। तो कैसा लगा चाली चोपड़ा, क्या आप अभी अपने मुकाम पे पहुंचने वाली हैं जल्दी? अब मुझे लग रहा है, हमें लग रहा है कि हमें सोलांग वैली जाना पड़ेगा केस को सॉल्व करने। ABP News, आपको रखे आगे।